What about fines? Sir, fines. आप चार्जेस कैसे लगाते हैं? अगर कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो 500 सर, 2-3-4 व्हीलर्स के लिए। 10,000 कर दो। सर, 10,000। सिग्नल तोड़ने पर 1,000 सर। 20,000 कर दो। ड्राइविंग करते हुए मोबाइल यूज करने पर 1,000। 25,000 ठीक है? यप, 25। रैश ड्राइविंग करने पर 1,000 है सर। 30,000 कर दो। ये बात तो फिल्म की है, लेकिन अब हकीकत देखिए। हम कह रहे हैं, हमारे पास पेपर नहीं था, हम सरकार के साथ आपके साथ। नहीं नहीं, पैर मत छूइए, हमारा पैर मत छूइए। मैं क्रांति, मैं बंदर आदमी। फिल्म हमारा समाज का हिस्सा है, ये बात सही है, लेकिन फिल्मों को हकीकत में हूबहू उतारने पर बवाल ऐसे मचता है जो अभी सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद हो रहा है। सरकार ने हाल ही में ट्रैफिक के लेकर नए नियम लागू किए हैं, जिसमें जुर्माना की राशि को 10 गुना तक इजाफा कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर तो लोग जमकर सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। सवाल है कि जब पूरा देश आर्थिक मंदी के संकट से जूझ रहा है और लोगों के पास काम नहीं है, वैसे में सरकार को नए नियम लागू करने की जल्दी क्यों है, वो भी बिना किसी अतिरिक्त सुविधा दिए हुए। अगर सरकार जितनी संवेदनशीलता ट्रैफिक के नियमों को लेकर दिखा रही है, उतनी देश की आर्थिक स्थिति सुधारने को लेकर संवेदनशीलता दिखाए तो इस देश के लिए अच्छा होगा। सोशल संवाद ब्यूरो।